कृषि मंडी में मौजूद है। आइए, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए जानवर दिखाते हैं। दोस्तों, जब आप मवेशी मंडी पहुँचेंगे तो मेन गेट से आपको काफ़ी लंबा पैदल चलकर अंदर जाना होगा। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो इसकी एंट्री फीस 3,000 रुपये, और अगर कार है तो उसकी एंट्री फीस 6,000 रुपये है 40 दिन के लिए। अगर आप कार या मोटरसाइकिल में अंदर जाना चाहते हैं तो पहले आपको पास बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं, वरना आपको काफ़ी लंबा पैदल चलकर जाना पड़ेगा। ये देखें, आपको हम कुछ जानवर दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे, मगर ख़रीदारी के गर्ज से कोई भी नहीं आया था। फ़िलहाल सब जानवरों को देखने के लिए यहाँ आए थे। इस मरतबा फ़िलहाल सारे भारी जानवर अभी तक आए हैं मंडी में। ये देखें आप, जानवर मुख्तलिफ किस्म के जानवर आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं और हम मंडी में मौजूद। यहाँ ज़्यादातर लोग विंडो शॉपिंग के लिए आए, ख़रीदार अभी कोई नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि ईद में काफ़ी टाइम है। जब हमने व्यापारियों से पूछा कि माल पाकिस्तान के किस किस शहर से लाएं, तो उन्होंने बताया कि सक्खर, नवाबशाह, कश्मीर, रहीम यार खान और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ माल लाया गया है। कीमत के बारे में जब दरियाफ़्त किया तो पता चला कि यहाँ पर जानवरों की कीमतें फ़िलहाल आसमान से बातें कर रही हैं। एक जानवर 1 लाख से लेकर 10 लाख तक यहाँ पर मौजूद है। ये आप देखें, यहाँ पर वो लोग ज़्यादा आए हैं जो जानवरों का शौक़ रखते हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं।
क्योंकि अभी बकरीद में काफ़ी टाइम है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा माल नहीं लाया गया और फिलहाल यहाँ पर लाइटिंग का भी कोई ज़्यादा इंतजाम खास नहीं किया गया, क्योंकि अभी कुछ ही ब्लॉक्स में माल लाया गया है। अक्सर ब्लॉक्स अभी यहाँ पर खाली हैं, जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर जानवर आते जाएंगे और यहाँ की रौनक बढ़ती जाएगी। ये VIP ब्लॉक है, यहाँ पर हम अंदर से तो जाकर ना बना सके क्योंकि फ़िलहाल वहाँ पर काम हो रहा था, अभी अभी इसको बनाया गया था।